नमस्कार, मैं हूं सपना पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। सरोवर नगरी के डीएसए मैदान में 72वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य द्वारा ध्वजारोहण किया गया। पुलिस की 6 टोलियों में 120 जवानों, जिनमें पुलिस, महिला पुलिस, पीएससी, महिला पीएससी, फायर ब्रिगेड, ट्रैफिक पुलिस की टोली व एनसीसी कैडेट द्वारा आकर्षक परेड कर देश की आन बान शान के लिए मर मिटने का संदेश दिया गया तथा फायर ब्रिगेड द्वारा पानी की बौछारों से तिरंगा बनाया गया, तो वहीं स्वान द्वारा हैरत अंगेज करतब दिखाए गए। इस मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रीति प्रियदर्शनी की अगुवाई में सभी कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने सभी शहर, प्रदेश और देशवासियों को बधाई दी। नैनीताल से अजमल हुसैन सिद्दीकी की रिपोर्ट। धन्यवाद। तो हमारे मुख्य अतिथि महोदय विभिन्न टोलियों का निरीक्षण करते हैं। पांडे को बाल दल सजा रहे, और कभी रुके नहीं, दल कभी रुके नहीं। यह पंक्तियां उस समय साकार परिलक्षित हो रही है। कभी ना होते श्रीमान कमांडर टोली नंबर 6 एसआई दीपा जोशी लाकर जिला चिकित्सालयों तक पहुंचाती हैं, और उत्तराखंड सरकार की ये एम्बुलेंस 108 के माध्यम से विशेष परिस्थितियों में इस तरह के कर्तव्य को अंजाम देती है। नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट, जो कि हमारे सरकार की तरफ से एक विशेष योजना है, और इस आपात स्थितियों में हम इस मोबाइल वैन को भी देखते हैं और हम सभी अभिभूत होते हैं। मंच की ओर हमारी विभिन्न टोलियां, टोली नंबर 1 यातायात पुलिस, टोली कमांडर श्री उमानाथ मिश्र जी, बहुत ही खूबसूरत क्षण और अद्भुत दृश्य हमारे गणतंत्र दिवस की परेड में पुलिस के द्वारा आप देख सकते हैं। नंबर 2 टोली नागरिक पुलिस एसआई रमेश पंत के नेतृत्व में नागरिक पुलिस की तीसरी टोली
एसआई सीमा आर्य के नेतृत्व में टोली नंबर 4 उपनिरीक्षक लता खत्री के नेतृत्व में टोली नंबर 5 आईआरबी प्रथम टोली कमांडर संतोष कुमार के नेतृत्व में टोली नंबर 6 सशस्त्र पुलिस टोली कमांडर एसआई दीपा जोशी के नेतृत्व में टोली नंबर 7 जो कि एनसीसी कैडेट आर्मी विंग और इस समय अग्निशमन का दल सीनियर अंडर ऑफिसर पूजा पांडे के नेतृत्व में अग्निशमन का दल इस समय अब हम सभी से रूबरू हो रहा है। अग्निशमन यंत्र आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है और वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर फोम टाइप ड्राई टाइप और CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर किस तरह से कार्य करते हैं इस कार्य प्रणाली को प्रदर्शित करते हुए ये जवान अब हमसे विदा ले रहे हैं। माननीय मुख्य अतिथि के समान इस समय सभी उपस्थित की है इस टोली में। आगे जो फायर हमारा रिवेंशन फायर रिवेंशन उत्तराखंड अग्निशमन और आपात सेवा जो इस समय बढ़ रही है उसे आप देख रहे हैं। ठीक उसके पीछे पीछे हमारा इंटरसेप्टर वाहन चल रहा है। इंटरसेप्टर वाहन में बहुत सारे इक्विपमेंट लगे हुए हैं और तेज रफ्तार या गलत तरीके से वाहन चलाते समय अगर आप कुछ गड़बड़ी करते हैं तो इसके आधुनिक लेजर तकनीक पर आधारित कैमरा लेजर स्पीड रडार गन स्वतः नंबर प्लेट पहचानने की क्षमता रूफटॉप कैमरा मैसेज एलईडी डैशबोर्ड कैमरा और वीडियो बहुत सारी चीजें काम करती हैं। स्वान दल आपने देखा और ये दोनों ही डॉग्स बहुत ही एक्सपर्ट हैं और ये बिना लेते हुए उसके पीछे हमारा फोरेंसिक वाहन और ठीक उसके पीछे दंगा नियंत्रण वाहन। मीनाक्षी जी बिल्कुल सर और दंगा नियंत्रण वाहन के बाद पुलिस संचार विभाग हमारे लिए हमेशा उपस्थित ही रहते हैं। पुलिस संचार सारी आपदा के समय कम्युनिकेशन के लिए हमारे लिए उपस्थित रहती है और आप